सीतापुर नाम का एक गांव था। नदी के किनारे होने की वजह से उस गांव में मच्छरों की बहुत ज्यादा समस्या थी। एक दिन एक आदमी मच्छरों को मारने वाला एक रैकेट खरीद कर लाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। दोनों बच्चे उस रैकेट को देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों बच्चे उस रैकेट को लेकर खेलने लगते हैं और उससे मच्छर मारने लगते हैं। ये सब देखकर वह आदमी बोलता है, देखो तुलसी, दोनों बच्चों को इन्होंने तो इस रैकेट का खेल मना लिया। लगता है आज घर के अलावा पूरे मोहल्ले के मच्छर मार डालेंगे। उसकी पत्नी उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है, आप भी ना कुछ ले आते हो और मेरी जान को आफत में डालते हो। जब से ये मच्छर भगाने वाला रैकेट लेकर आए हो, ये दोनों कुछ खा नहीं रहे, बस खेले जा रहे। ये सब एक छत पर बैठी हुई चुड़ैल देख रही होती है। अरे वाह, ये रैकेट तो कमाल का है। मैं भी इसी जैसा रैकेट बना लेती हूँ और उससे इंसानों का शिकार करूंगी। मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने जादू से एक बड़ा सा रैकेट बना देती है और गांव से आने जाने वाले रास्ते के बीच में रख देती है और फिर अपने शिकार का इंतजार करने लगती है। अरे क्या हुआ, कहीं गांव वालों को मेरी योजना का पता तो नहीं चल गया? इतनी देर हो गई, कोई भी शिकार नहीं आया। तभी एक शराबी जिसका नाम कुंदन होता है, वह अपने दोस्त नत्थू के साथ वहां से गुजर रहा होता है, जिसे वह रैकेट दिखाई देता है। रैकेट को देखकर वह बोलता है, अरे ये का है भाई, इतना बड़ा बिजली का खंबा कौन रख दिया? अच्छा हुआ हमारे गांव के कुत्तों ने नहीं देखा, नहीं तो इसे पूरा गीला कर देते। तभी कहा है भैया, आपसे ना दारू झेली नहीं जाती, समझे? अरे ये बिजली का खंबा नहीं है, ये तो कोई गिटार है। रुको, हम अभी तुमको कर्ज फिल्म की धुन सुनाते हैं। ऐसा कहकर नत्थू उस तार को छू लेता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूता है, वह उससे चिपक जाता है और उसे जोर का करंट लगता है, इससे वह वहीं पर गिर जाता है। ये सब देखकर कुंदन काफी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे गांव वालों, अरे कोई बचाओ, देखो इस बिजली के खंभे से करंट निकल रहा है और नत्थू को मार रहा है। अरे दरवाजा खोलो और कोई बचाओ। चिल्लाते चिल्लाते कुंदन भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब कुंदन को होश आता है, तो वह सरपंच जी के पास जाता है और बोलता है, अरे सरपंच जी, गजब हो गया गजब। कल रात हमने बहुत विशाल खंबा देखा जो तारों से बांधा था, और जैसे ही मेरा दोस्त नत्थू खंबे के पास गया, उस खंबे ने उसे अपने पास खींच लिया और वो मर गया। नत्थू मर गया? लगता है तुम दिन में भी पीने लगे हो पुत्तन। और अगर तुम्हारा दोस्त नत्थू मर गया है, तो फिर ये कौन है? जैसे ही सरपंच अपनी बात पूरी करता है, नत्थू वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, पुत्तन भैया, हम रात में ही तुमको बोले थे कि ज्यादा मत पिया करो। कल रात को हमें तो कुछ नहीं हुआ, आप ही हमें छोड़कर भागने लगे थे। क्या बकवास कर रहे हो नत्थू? कल मैंने अपनी आँखों से देखा था, तुम्हें जाल जैसी चीज ने पकड़ लिया था और तुम उसमें चिपक गए थे, फिर मर गए। तब तक वहाँ पर कुछ और गांव वाले आ जाते हैं और कुंदन की बात को सुनकर हंसते हुए बोलते हैं, क्या पुत्तन भैया, अरे भैया जाल जैसी चीज क्या होता है? तुम भी ना झूठ बोल रहे हो, सीधा बोलो ना, किसी औरत ने इस नथुआ को पकड़ लिया था और फिर भी ये बचकर आ गया। ठीक है, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई गांव के सामने ला कर रहूंगा। ऐसा कहकर कुंदन वहाँ से चला जाता है। उधर उसी दिन दो और गांव वालों को उस रैकेट के छूने की वजह से मौत हो जाती है।
अगले दिन गांव वालों को उनकी लाश मिलती है। फिर गांव वाले उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब गांव में रोज किसी न किसी व्यक्ति की उस रैकेट की वजह से मौत हो जाया करती थी। वाह, इस रैकेट से इंसानों को मच्छर की तरह मारने में बड़ा ही मजा आ रहा है। जब वो पट पट करके जलते हैं, तो इस कलेजे में बड़ा सुकून मिलता है। एक दिन रामू नाम का एक किसान अपने खेतों में पानी लगाने जा रहा होता है, तभी उसे वह रैकेट दिखाई देता है। वह रैकेट के पास जाकर सोचता है, अरे ये तो मच्छर मारने वाला रैकेट लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा ये किसने रखा खेत में। रामू यह सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, ये मैंने रखा है रामू, क्योंकि इससे मैं तुम्हारी जान लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू की तरफ रैकेट बढ़ाती है, लेकिन रामू बच जाता है और भागने लगता है। लेकिन बेचारा रामू ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है और चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। भला अपनी मौत से भी कोई भाग पाया है रामू आज तक? आज तो तुम्हें मरना ही होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू पर रैकेट चलाती है, जिससे रामू का हाथ रैकेट में फंस जाता है और उसे जोर का करंट लगता है और उसका हाथ भी जल जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन गांव वालों को रामू की लाश मिलती है। तभी दीनू की नजर रामू के जले हुए हाथ पर पड़ती है, जिसमें तार का छोटा सा टुकड़ा फंसा हुआ होता है। इसके हाथों में तो तार का टुकड़ा है, जैसे मच्छर मारने वाले रैकेट में होता है। इसका मतलब अपना पुत्तन शराबी सही कर रहा था। सरपंच भी डर के मारे सच बताने लगता है और गांव वालों की मदद करने का विश्वास दिलाता है। फिर गांव वाले मिलकर चुड़ैल को पकड़ने की योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार रात में सरपंच जी चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, चुड़ैल मैं अब तेरा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तेरे रैकेट में अब कोई जान नहीं है, उससे इंसान तो क्या मच्छर भी नहीं मरेगा। मेरे रैकेट में जान नहीं है, क्या बोल रहा है सरपंच? जा जरा उस रैकेट को छू कर तो देख, पता चल जाएगा मेरी ताकत का। चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच रैकेट के पास जाता है और उसकी बैटरी निकाल देता है। तेरे रैकेट में सचमुच कोई जान नहीं है चुड़ैल, क्योंकि मैंने इसकी बैटरी निकाल दी, अब कुछ नहीं हो सकता। सरपंच वो बैटरी मुझे दे दे, नहीं तो बहुत बुरी मौत मारूंगी तुझे। चुड़ैल सरपंच की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर दीनू और गांव वाले आ जाते हैं। दीनू के हाथ में एक त्रिशूल होता है। चुड़ैल तूने गांव वालों को बिजली का करंट लगा कर मारा है, अब मैं तुझे इस दुनिया का सबसे तेज करंट देता हूँ, देखता हूँ तू झेल पाएगी या नहीं, ये ले। ऐसा कहकर दीनू चुड़ैल के सीने में त्रिशूल मार देता है, जिसके कारण चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है।